तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और रोमांचक वीडियो में। जब भी झरने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सीधा किसी और देश या पूर्वोत्तर या दक्षिण भारत के राज्यों का ख्याल आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कई सुंदर झरने मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के कुछ खूबसूरत झरने दिखाने वाले हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर आपका दिल वहां से लौटने का नहीं करेगा। मानसून के दौरान इन झरनों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 5, मुखा झरना। मुखा झरना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। रॉबर्टगंज से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। झरने से थोड़ी दूर पर ही सलखन पार्क मौजूद है, जो दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है। साथ ही इसके आसपास में कई प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। नंबर 4, लखनिया दरी। लखनिया दरी झरना मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह चुनार शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच मौजूद है। इस झरने की खूबसूरती देख सभी मनमोहित हो जाते हैं। यहाँ आसपास के लोगों के अलावा कई दूर दूर के लोग भी आते हैं। नंबर 3, विंधाम झरना। मिर्जापुर जिले में स्थित इस झरने का नाम ब्रिटिश संग्राहक विंधाम के नाम पर पड़ा है। वाराणसी से इस झरने की दूरी 90 किलोमीटर है। यहाँ कई लोग घूमने फिरने आते हैं। लोगों का यह फेवरेट पिकनिक स्पॉट भी है। नंबर 2, चुनादरी झरना। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित यह झरना बड़ा ही खूबसूरत है। लगभग 165 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना बेहद खूबसूरत है। चुनादरी झरना लखियानादरी झरने के पास ही मौजूद है, लेकिन दोनों झरनों के बीच का रास्ता काफी मुश्किल है। झरने के तलछटी में एक बड़ा सा पत्थर मौजूद है, जो यहाँ के लोगों का आकर्षण का केंद्र है। नंबर 1, सिद्धनाथदरी मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले में स्थित सिद्धनाथदरी झरना पर्यटकों का आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। मिर्जापुर जिले के राजगढ़ ब्लॉक के जोगड़ गांव में स्थित यह झरना 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके सामने ही स्वामी अलगनानंद महाराज का भी आश्रम है। तो दोस्तों, यह थे उत्तर प्रदेश के कुछ खूबसूरत और शानदार झरने। आप लोगों को इस झरने में से कौन सा झरना सबसे अधिक पसंद और आप इन झरनों में से किस किस झरने में घूमने गए हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे उत्तर प्रदेश से जुड़ी जानकारियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,